फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 18 जून शिफ्ट वन का, आज का सुबह का पेपर का, ठीक है। और इसमें देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आज का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाई, जो भारत का संविधान था वो हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राजीदा के द्वारा, ठीक है। और ये तो एक क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो डेकोरेशन था, इसका डेकोरेशन कौन किया था। वो शांति निकेतन, जो आर्टिस्ट थे शांति निकेतन, उनके द्वारा, और उनके साथ और कौन कौन इंक्लूड था, तो वो थे बेहोर, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, ठीक है। तो आप इसका पूरा जानकारी मिल गया आपको, तो अगले शिफ्ट में भी ये पूछा जा सकता है कि उसका डिजाइनिंग कौन किया था। इस बार तो पूछा गया कि हैंड रिटन किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राजीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट, रिवर गोदावरी जो है वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो आपको पता है नासिक महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेट होता है। विच सिटी इज नोन एज द ग्रासेस ऑफ ईस्ट, तो देखिए ये ऑप्शन के अनुसार होगा और इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, तो इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा। वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस इन द लिव ह्यूमंस, बाइल जूस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो बाइल जूस जो होता है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल बाइल जूस को, बाइल के एक्सेस होने से क्या होता है, पीलिया रोग होता है, आपको पता होगा, ठीक है। कौन सा रोग, पीलिया रोग होता है। बाइल अगर एक्सेस हो गया शरीर में तो वो जॉन्डिस का कारण बन जाता है। When was the Human Right Commission made? Human Right Commission जो था वो कब बना था, तो 12 अक्टूबर 1993 में ये बना था। Where is the tomb of Sheikh Ali Chisti located? तो जो tomb है Sheikh Ali Chisti का, वह कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, और ये कौन सा जगह पर, एग्जैक्ट जगह क्या है, दूधापुरा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7 क्या होता है, बायोटीन होता है, ये सबको पता है। स्टेट फ्लावर उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो ये प्लास है, प्लास जो है वो स्टेट का, उत्तर प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसेक्स 2011, तो ये इलाहाबाद का, ठीक है, इलाहाबाद का लगभग आपको जनसंख्या जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है पूरे उत्तर प्रदेश में। द यूनियन मिनिस्टर लॉन्च ए सिंगल वैक्सीन फॉर ड्यूअल प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो कौन सा एक सिंगल वैक्सीन लॉन्च किया गया ड्यूअल प्रोटेक्शन के लिए, तो वो था मिसेल्स रूबेला के लिए, ठीक है, MR, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, तो इसमें चार ऑप्शन दिया होगा, उसके अनुसार आप कर सकते हो। टोटल 6-7 स्टेट से ये पास होता है, तो आप जो स्टेट से नहीं पास होता ये एक बार आप पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो देखिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर के लिए यहाँ पर हम उसका डायग्राम कर दिए हैं। तो कौन कौन से स्टेट में है, क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब कि कौन कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा स्टेट है जिसमें नहीं है, तो जिसमें है वो देख लेते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में, ये सब स्टेट में आपको क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, उसके अनुसार आप लगा सकते हो ये ऑप्शन में। इसके सिवा जो स्टेट होगा वो आंसर होगा आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट अनाउंस इट एसेसन टू पाकिस्तान इन 1947 बट लेटर फोर्स टू ज्वाइन इंडिया आफ्टर द प्लेबिसाइट रिजल्ट, तो देखिए ये हैदराबाद था, जहाँ तक मतलब कि आपको आंसर का सवाल है, हैदराबाद एक ऐसा स्टेट था, निजाम जो थे वो पाकिस्तान में मिलने का सुलह कर चुके थे, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जब वहाँ पर जनगणना हुआ तो उसके अनुसार वहाँ का पब्लिक भारत में मिलने के लिए बोल दिया, मतलब कि आपको प्लेबिसाइट किया गया, रेफरेंडम हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल फोर्सली आपको हैदराबाद को अपने अंदर मिला लिया गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ ध्यानचंद, ध्यानचंद का बर्थ प्लेस का क्या है, तो ये इलाहाबाद है, ये भी देख लीजिए
कि ये 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्मे थे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब जन्मे थे। अभी तो फिलहाल पूछा गया कि कहाँ पर उनका बर्थ प्लेस है, तो ये इलाहाबाद है। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस द 1/3 शेयर ऑफ द टोटल शुगर प्रोडक्शन, तो भारत राज्य का कौन सा ऐसा राज्य है जो 1/3 शुगर का मतलब गन्ना का प्रोडक्शन करता है, वो है उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई फंगस, तो देखिए फंगस से बहुत सारा डिजीज होता है, उसमें चार ऑप्शन दिया होगा, उसके अनुसार आपको चुनना होगा। हो सकता है वो बैक्टीरियल डिजीज कोई एक दे दिया हो और उसमें से आपको फंगल डिजीज जो जो होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, उसको याद कर लीजिएगा। कामयानी के लेखक कौन थे, तो ये थे जयशंकर प्रसाद थे, ठीक है। वेयर वॉज द मुंशी प्रेमचंद बॉर्न, तो मुंशी प्रेमचंद कहाँ पर जन्मे थे, तो लैम्बी बनारस में, बनारस आपको पता है होली सिटी बोला जाता है, तो वहीं पर ये जन्मे थे मुंशी प्रेमचंद। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल रंग का एक बटन होगा उसको दबा दीजिए, ताकि कोई भी इसके बाद का हम लोग शिफ्ट जब अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए थैंक यू।